नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा। ललन टॉप की टीम जमुना लखनऊ के बाद एक बड़े हॉट सीट पर आई है। ये बड़ी हॉट सीट है रायबरेली। अब हॉट सीट क्यों है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहाँ से सांसद हैं सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। अब अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो कभी यहाँ पर फिरोज गांधी सांसद रहे, फिर इंदिरा गांधी सांसद रहीं, देश की प्रधानमंत्री, उसके बाद सोनिया गांधी फिलहाल सांसद हैं। मगर रायबरेली की तकदीर कितनी बदली इसको जानने के लिए हमें एक गांव आए और इस गांव का नाम है लल्लू कपूरवा। अब यहां आने का मकसद हमारा ये था कि गांव के लोगों से तो बात करेंगे ही, मगर हमें इस गांव के बारे में पता चला कि पिछले साल दिवाली के मौके पर इस गाँव में बिजली आई और यहाँ के गाँव वालों से मेरी बातचीत हो रही थी। गाँव वालों ने कहा कि हकीकत में पहली बार पिछले साल ही हमारी दिवाली बनी। तो इतनी वीआईपी सीट होने के बाद, इतने बड़े बड़े नेता के होने के बाद इतना वक्त लग जाता है, आज़ादी के बाद से इतने साल बीत जाते हैं यहाँ पर बिजली आने में, तो उसकी क्या वजह है और लोग क्या सोचते हैं यहाँ के अपनी सांसद सोनिया गांधी के बारे में, गांधी परिवार के बारे में और रायबरेली की राजनीति के बारे में, इस बारे में हम बात करेंगे यहीं गाँव के लोगों से। गाँव में होता क्या है कि आप किसी भी गाँव में जाइए और बातचीत करना शुरू करिए तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस वक्त सब लोग गाँव के, यहाँ पर करीब 10-15 घर हैं इस गाँव में, गांव क्या मजरा कह लीजिए इसको, तो हमारे साथ जुटे हुए सबसे हम बात करेंगे एक एक करके। क्या नाम दद्दू आपका? हमारा नाम रामपाल है। रामपाल, कब से रह रहे हैं इस गांव में? हम साहब हमारी 3-4 पीढ़ियां बीत गई। अच्छा, 3-4 पीढ़ियां बीत गई। और बिजली कब आई आपके गांव में? बिजली साहब दीपावली के 2 दिन पहले आई। पिछली दीपावली? नहीं, आपती दीपावली। हाँ, आपती दीपावली के पहले आई। इतना वक्त क्यों लग गया बिजली आने में आपके गांव? आपने सोचा कोई पूछा किसी से जाके? साहब यहाँ के दबंग लोग यहाँ बिजली आने में रोक लगाते थे, इसलिए बिजली यहाँ पर नहीं आ पाई। दबंग लोग आप कह रहे रोक लगाते थे, तो आपने किसी शिकायत की कभी जाके भी हमारे गांव? करने पर हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। हाँ, किसके पास शिकायत की? सांसद के पास गए अपने, सोनिया गांधी जी के पास? मतलब विधायक जी के पास, डीएम के पास, एसपी के पास। हमारे हम लोगों के ऊपर उल्टी धाराएं लगा दी जाती थी और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। सोनिया गांधी के पास कभी गए आप लोग? उनके प्रतिनिधि से मिले कभी जाके? उनके, सोनिया गांधी के पास जाने के बाद हम लोगों को गाँव में एक हैंडपम्प मिला साहब, और कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, इतने साल से सांसद हैं वो आपकी और गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है ये सीट, तो आप लोग, आपका गांव क्या सोचता है उस बारे में? अरे साहब, हम लोग ये सोचते हैं कि जो हम लोगों को उंजेरे में किया, हम साहब उन्हीं को वोट देंगे और हमारे लिए उसने हमारे बच्चों को उंजेरे में कर दिया साहब, वो हमारे लिए लाख हैं, हम मोदी सरकार को वोट देंगे। अच्छा, हाँ साहब, बिजली दी इसलिए? हाँ, बिजली दी इसलिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम केदारनाथ है साहब। केदारनाथ जी, क्या करते हैं आप? साहब यहाँ खेती किसानी का काम करते हैं। कितनी खेती है आपकी? 10-15 बिसुआ साहब, और कौन ज्यादा नहीं। 10-15 बिसुआ? हाँ जी। तो बिजली तो पिछले साल आई? नहीं, पिछले साल नहीं आई साहब, अब तीस साल आई, अब तीस दीपावली के साहब। किसानों के लिए बहुत काम करने की बात कर रहे साहब मोती, जो है हमारे लिए तो बहुत कुछ किया है और आगे तो सब फड़ा उड़ा दी, कुछ नहीं हुआ। सोनिया गांधी इतने साल सांसद, 10 साल सरकार भी रही उनकी यहाँ पर, लेकिन जो उन्हें कभी सुनवाई नहीं हुई तो हम उसको क्या मान लें? कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया हमारे साहब ने ना। अब जो उन्हें भाई ये मोदी सरकार जो हो गए, यह जो कुछ हमारे गांव के लिए किया साहब, और कुछ नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ना गांव के लिए कोई रास्ता सही है, ना कुछ नहीं है साहब। हम लोग बड़ी मजबूरी में जी रहे हैं, बड़े संकट के साथ। क्या संकट बताइए? संकट साहब, सब गांव घर जो हैं वो साहब किसी वक्त गिर सकते हैं आंधी पानी में, हम लोग दब कर मर जाएं, हमारी लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। पक्की आवाज़ नहीं मिले आप लोग को? मोदी जी तो पक्की आवाज़ भी दे रहे हैं। आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन साहब कतो कौनो साहब लिखा पढ़ी कहूँ जाओ दे दियो कागज पत्र, सब दबा देते हैं साहब, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग फरुआ पलरा वाले आदमी मजदूरी करें कि साहब रोज़ हम लाइन लगाएं, लाइन लगाते लगाते हम लोग थक गए, ना सहारा हो गए, इसलिए भगवान के सहारे हैं, जय दिन जिएंगे जिएंगे, नहीं मर जाएंगे तो मर जाएंगे। हाँ साहब, कोई सहारा नहीं किसी का। आप लोग प्रधान के पास नहीं गए कि हमें पक्का मकान क्यों नहीं मिल रहा है? प्रधान नहीं सुनते। क्या नाम है आपका? राम लखन। प्रधान जी के पास जाओ तो कहें कि हाँ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं साहब।
हाँ कुछ भी नहीं होता। हम लोग इतने उम्र के हैं, हम लोगों के लिए पेंशन कोई भी नहीं बन पाई है। कितने बार फार्म भरे, कार्ड अब ती बड़ी मुश्किल से 20 साल से फार्म भरते भरते। हाँ यहाँ अगर जाओ तो वहाँ कहेंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन कागज पत्र दबा देते हैं, कुछ होता भी नहीं। नहीं साहब सब कच्चे मकान पड़े हैं, देख लियो सब कच्चे मकान, ये भी पक्का मकान नहीं। पूरे गांव में साहब सारे घर कच्चे पड़े हैं, 10-12-15 घर हैं सब, सभी गाँव। आप लोग जी थोड़ा दिखाइए, इधर आइए, देख लो। तो मतलब हम लोग झूठ नहीं बोलते, आप देख लो कैसे गिरे हुए, हम लोग कहाँ रहे कहाँ नहीं, ये सब मकान गिरे पड़े बताओ, छप्पर छा लेते हैं साहब, और बस वही तरह हवा में उड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ ये देखो साहब सब गिरे हुए हैं, ऐसे सब पड़े हैं सब, कहाँ कहाँ हम लोग साहब कैसे करी, टटिया फरकिया बांध के साले कि हवा ना लगे, चूल्हा चकिया इसमें खाना बनाओ तो कुछ भी नहीं होता साहब। अच्छा। देखो सब गिर गए, उधर भी गिरे पड़े हैं सब, गिर रहे साहब इधरों आओ देख लो, इधरों गिरे पड़े हैं सब, सब मुहैना हो जाए साहब जब। हाँ नहीं तो आप लोग लेखपाल के पास, प्रधान के पास जब जाते हैं तो क्या कहते हैं वो? वे नहीं सुनते, कहीं हाँ हो जाएगा लेकिन कहीं हाँ आएंगे नहीं, मतलब कुछ होते नहीं। बड़े बड़े अस्पताल जाओ तो सब कुछ नहीं साहब। शौचालय सबके बने हैं? यस सर सब। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय कुमार यस। कितनी उम्र है आपकी? अभी सर हमारी 17 वर्ष। तो वोट नहीं बना है? अभी वोटिंग नहीं। वोटिंग गाँव में? अच्छा तुम नए लड़के हो, तुम अपनी ईमानदारी से बताओ क्या गाँव में काम हुए, किसकी वजह से हुए है ना, और क्या होना चाहिए? सर जी अभी काम के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ है, केवल ये विद्युत कनेक्शन मिले हैं, बाकी यहाँ आने के लिए तो एक मेन रास्ता भी नहीं है। ये सर उबड़ खाबड़ ये रास्ता भी आता है, ये कई सालों पहले बन चुका है लेकिन अभी इसमें खरिंजा नहीं लगा है। और सर अगर शौचालय गाँव में आए? यस सर। शौचालय का पैसा पूरा आया था 12,000 रुपये? नहीं सर 12,000 नहीं आया था, 6,000 केवल आया था बस। अभी गड्ढा बाकी, आधा बना, पूरा नहीं बना। हाँ नहीं ये खाली बन गया, गड्ढा के लिए आवे तो फिर बने। हाँ 6,000 रुपया आया बस, आना होगा। हाँ अभी आया, अकाउंट में आता है पूरा? हाँ अभी साहब 6,000 आया और नहीं आया, पूरा पैसा अकाउंट में आता है पूछ रहे हैं। हाँ हाँ। कोई पैसा मांगता कमीशन वगैरह कुछ? नहीं नहीं साहब कोई नहीं मांगता, नहीं कमीशन नहीं मांगता, नहीं कोई नहीं मांगता। और बिजली वाले में कुछ पैसा लगा था? नहीं सर इसमें कुछ नहीं लगा, इसमें सर जी लेंटिंग कंपनी ने पूरा सहयोग किया था। अच्छा पैसा एक भी नहीं लगा था? बिल आता है? यस सर बिल आता है। कितना बिल आता है? अभी शुरू में आया था 320 उसके आसपास आया था। यस 320 जमा करते हैं? कर दिए हर महीने जमा करते हैं। तो शौचालय मिला है और बिजली कनेक्शन मिल गया है, बाकी सड़क वड़क सिलेंडर वगैरह उज्ज्वला वगैरह ये सर उज्ज्वला के तहत सिलेंडर मिला हुआ है, लेकिन वो फ्री वाला नहीं था, वो तो अपने से हम लोग खुद लिए हैं हम लोग कनेक्शन। उज्ज्वला वाला सिलेंडर जो मिलता है फ्री वाला? फ्री वाला साहब आप लोग गए एजेंसी कभी पूछने? साहब पहले लिस्ट में कहते हैं कि तुम्हारा है ही नहीं, नाम है नहीं साहब। हाँ मैं आपका विमल यादव। कितनी उम्र है आपकी? 21 यस। वोट बन गया है क्या? वोट हाँ बन गया, बन गया। अच्छा पहली बार वोट देंगे? हाँ पहली बार वोट देंगे। पहली बार देंगे? विधानसभा चुनाव नहीं दिया था? अभी नहीं दिया था वोट, पहली बार करेंगे। इस बार जब पहली बार वोट देंगे तो किन मुद्दों वोट देंगे, क्या सोचते हैं आप? जो पार्टी विकास करेगी हम उसी को वोट देंगे। कौन लग रहा आपको कौन विकास कर? बीजेपी को वोट देंगे हम। बीजेपी को वोट देंगे? मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि रायबरेली में कहीं भी जाएंगे तो लोग सोनिया गांधी की बात करेंगे। क्या नाम है? सर मेरा नाम हिमांशु यादव है। सर मेरा बीए फाइनल हो गया है, होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं सर हमें। जी सर। सर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कोई भी नेता हो वो हमें विकास दिखाए। मेरे गांव के बारे में अभी तक किसी भी नेता ने नहीं सोचा, यहाँ देखा भी नहीं कि क्या है, कैसे यहाँ पे मकान है, किस प्रकार से यहाँ पे लोग जीते हैं। आज़ादी के बाद आज भी हमारा ये गाँव ग्राम पूरे लल्लू पोस्ट लोधभारी दबंगों के जंगलों में जकड़ा हुआ है सर। अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी तक यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कैसे मकान बने हुए हैं। कोई यहाँ पे कुछ करना चाहता तो वो कर नहीं पाता दबंगों के बीच में। सर यहाँ पे कौन दबंग लोग हैं? सर यहाँ पे दबंग लोग हैं, क्या नाम सर यहाँ पे मकान नहीं बनने दिया जाता, कनेक्शन नहीं होने दिया जाता। अगर कोई भी मतलब कुछ कार्य करना चाहता तो यहाँ पे नहीं कर सकते सर। तो इसके लिए अगर हम लोग किसी भी नेता के पास या किसी भी विधायक सांसद के पास गए, इसके पास गए आप? सर हम लोग सबके पास जा चुके हैं। ये मोदी सरकार में केवल हमें ये लाभ मिला है, कनेक्शन और शौचालय कुछ आए हैं, बाकी हमें किसी भी सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई लाभ नहीं मिला। इस गांव में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार के मकान है, क्या हम लोग इस मकान में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना सर। तो हम लोगों को विकास चाहिए, जो विकास करेगा हम लोग उनके साथ भरपूर रहेंगे।
तो आप लोग के गांव में नेता है कोई आते हैं? अरे साहब आवत ही वही सड़क की चले जाइए कहीं हो जाएगा, अगर हम पंचे हाथ पांव जोड़ के कुछ कहते हैं ना अपनी समस्या रखते हो जाएगा बस इसी गांव के। अच्छा आप ये देखिए कि गांव में विकास कितना पहुंचे ना पहुंचे, स्टिकर सारे नेता के पहुंच जाते हैं। यहाँ सोनिया गांधी के स्टिकर लगे हुए हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विकास किया है, विकास करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। और इधर बीजेपी का पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह है बीजेपी की तरफ से। रायबरेली की जनता की आवाज़, देश की सीमा में दुश्मन न दिखें, ईमानदारी की राह पर बढ़ते कदम न रुकें, इसलिए कुछ भी हो लक्ष्य हमारा मोदी दोबारा। मैं चिराग हाँ मैं चिराग हूँ तुम्हारा। अच्छा ये बड़ा मुद्दा बन रहा है रायबरेली में, मैंने अखबारों में भी पढ़ा हाँ कि यहाँ पर ये बात चल रही दिनेश सिंह की तरफ से कि मैं चिराग हूँ, मतलब मैं लोकल हूँ, आप लोग के बीच का हूँ, सोनिया गांधी बाहरी हैं, तो क्या ये मुद्दा बन रहा है आप लोगों के बीच गाँव में, चर्चा हो रही है इस बात पर? दिनेश सिंह कभी आए आप लोग के पास वोट मांगने या कुछ पूछने? नहीं साहब, लोग गांव लुधवारी में तो आए साहब। अच्छा हाँ मतलब आए, हाँ यहाँ पूरों में नहीं आए लेकिन मजरों में आए। अच्छा। आए और लोग कहते हैं कि विकास, मतलब बीजेपी सरकार में विकास हुआ है और जीतेंगे दिनेश सिंह, जीतेंगे। हाँ अच्छा, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बारे में आप साहब, हम लोग तो राजनीति कर नहीं पाते, हम लोग साहब अपने फरुआ पलरा से साहब छुट्टी नहीं पाते, लेकिन इसी तरह जहां जहां बैठ जाते हैं सब लोग चर्चा किया करते हैं कि सोनिया गांधी भी जीतेगी, इसी तरह सुनाई पड़ता, हम लोग सुन जाते हैं। और राजनीति लागे साहब पढ़े लिखे तो हन नहीं ना, तो ये सुन बात हम लोग बता सके थे। तो आप लोग मतलब कभी चर्चा ये भी होती होगी ना, इसको गढ़ कहा जाता है गांधी परिवार का, सोनिया गांधी बड़े नेता रहे परिवार के। साहब की आपकी सोनिया गांधी जीती हैं, हाँ तो हर बार जीत रही, किया क्या उन लोगों ने आपके लिए? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ साहब, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ चाहे जितने बड़े नेता हुए लेकिन हम लोग 50 साल की उम्र हो गई लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, खाली यहाँ नल गड़ा हुआ है और ये तो वहाँ पहले का है। हाँ और यही एक दिखाई पड़ रहा है सामने, बिजली और ये कलून या लाइटिंग, और साहब कोई लाभ नहीं मिला। हाँ अबे इतना बड़ा घर द्वार देख लो साहब, ये इतना कि कहीं मकान बने हैं? आप लोग कभी गए? बहुत बार गए, कई बार गए हम लोग। आओ उधर महिलाएं बैठते हैं, उनसे बात करेंगे। एसडीएम के पास तक भी गए हैं, एसडीएम ने समझाया भी इनको था कि आप इन लोगों को छोड़ दीजिए और इन लोगों को रहने दीजिए, काफ़ी दिन से रहते हैं। तो ये बता रहे थे कि ये वकील हैं, तो बता रहे थे कि हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, आगे तक जाएंगे, मतलब इनका विकास नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। क्यों, मतलब क्या दिक्कत है सर? यहाँ ऐसा मतलब बताया जाता है, जो गांव के जो लोग बताते हैं कि ये ज़मीन उनके कब्जे में है। चूँकि सर हम लोग कई पीढ़ियों से रहते हैं, चार पांच पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं, बीच में यहाँ राजाशाही तंत्र था, तो उन्हीं के इनके पिताजी वकील थे, तो वो जो ज़मीन मिलती गई वो अपने नाम करते गए और इसमें गाँव भी चढ़ा लिया, तो तब से ये बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा यस, आप लोग जब वोट देते हो तो अपने मन से देते हो कि कोई बताता है उस हिसाब से देते हो? नहीं, उस पर तो कोई दबाव नहीं रहता साहब वोट डालने में, ना अपने मन से देते हैं। जी अपने मन से देते, वो कहा तो नहीं कि हम आए में डाल। अच्छा और कहा गया चाहते चिल्लावा कर रहे थे बहुत। तो क्या नाम है आपका? रामदास साहब। रामदास, रामदास कब से रह रहे हैं गांव में? बहुत चार पीढ़ी भी गई साहब। चार पीढ़ी हो गई होगा साहब, चार पीढ़ी में रायबरेली कितना बदला, आप लोगों तो खुद देखा होगा, शहर तरफ भी जाते होंगे, गांव में रहते हैं जी। करते क्या थे आप? मंजूरी का, घर में रहते हैं, किसानी के साथ मंजूरी होगा साहब। कितनी किसानी है? अरे डेढ़ सौ बीघा, डेढ़ बीघा सब कहूँ ज्यादा है, एक बीघा डेढ़ बीघा से। कितना बदला रायबरेली, कितना बदला गांव में, कुछ काम हुआ आप लोगों के लिए जो होना चाहिए? जो सरकार ने हमको बिजली लगवा दिया। किस सरकार? भाजपा सरकार, मोदी सरकार। कांग्रेस सरकार ने क्या करवाया साहब? को कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। क्या करवाना चाहिए था, आप लोग क्या चाहते थे? साहब कॉलोनी से आ जाए साहब, यहाँ कॉलोनी आ जाए तो यहाँ और चमत्कारी हो जाए, बिजली लगवा दी चमत्कारी भाई। अच्छा जो किसान निधि सम्मान वाली 2000 रुपए किस्त आनी हुआ आप लोग की मोदी जी? नहीं हमारे तो आया है, हाँ हमारे पे आया है, पूरी किस्त सबकी आई 2000 रुपए। और दूसरी किस्त भी आनी होगी अब साहब? हाँ आपकी नहीं आई? हाँ जी नहीं आई। नाम है आपका? हाँ हाँ लिखा लिस्ट में नाम है ना सर? नाम तो है लेकिन आई नहीं ना। क्या नाम है आपका? केदारनाथ।
अभी आई नहीं है साहब। हाँ कुछ लोगों की आई है, हमसे कराया खाता पर चेक कराया, उसमें तो हमारे आया कहते हैं आई है, कुछ लोग कहते हैं नहीं आई। अच्छा, उधर महिलाएं बैठी हुई, उनसे बात करते हैं चल के। काकी क्या नाम है आपका? फूलकली। फूलकली, थोड़ा तेज बोलिए। फूलकली। तो आपके गांव में बिजली इस बार आई है? अरे भाई दिलहाई माउस का आई है। अच्छा, नेता कौन सा पसंद है? नेता का नाम सुना आपने किसी का? मोदी का सुना। मोदी का सुना है? और सोनिया गांधी का? सोनिया गांधी का सुनते रहना है। कौन अच्छा लगता है? अब यही मोदी कराए है वो बिजली, और तो भाई आगे नहीं आई रहे। अच्छा, सोनिया गांधी कभी देखा है आप लोगों ने? कहाँ, हम देखा गया सर, नहीं देखा। अच्छा, घर में सिलेंडर है, खाना कैसे बनाती है? सिलेंडर बनाती है कि भौरिया बना लेते हैं? हम चूल्हे में बनाए थे। क्यों सिलेंडर नहीं मिला क्या आप लोगों? नहीं मिला। उज्ज्वला वाला सिलेंडर कहाँ मिला है? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामा देवी। सिलेंडर मिला आप लोगों को उज्ज्वला वाला? सर नहीं, वो नहीं मिला। आप लोग के घर में सिलेंडर है कि नहीं? सर वो गैस चूल्हा वाला सिलेंडर है। अच्छा, गैस चूल्हे वाला तो सिलेंडर है नहीं, वो उज्ज्वला वाला मिला है कि आप लोगों ने पैसा दे के लिया है? नहीं सर, पैसा दे कर लिया है। मतलब पहले से था सिलेंडर जी? सर आप गाँव में कब से हैं? गाँव में सर हम 4 साल हुए हमारी शादी को। जी सर। बिजली इस साल आई आपके गाँव? सर बिजली हमारे यहाँ दीपावली के 2-4 दिन पहले आई हुई है। अब कितना पढ़ाई की है? सर इंटर। इंटर जी। इंटर के बाद क्यों नहीं पढ़ाई की? सर कुछ समस्याएं थी, गरीबी की वजह से माँ बाप नहीं पढ़ा पाए आगे। पढ़ना चाहती थी आप? जी पढ़ना चाहती थी, समस्याएं की वजह से नहीं पढ़ पाई। वोट बना आपका? वोट देती हैं सर? अभी हमारे यहाँ तो वोट नहीं पड़ रहा है। नहीं जी। बात करते हैं, आइए काकी लो आप लोग से बात करें। क्या नाम है आपका? कुसुमा। कुसुमा। कुसुमा, कब से रह रही हैं आप गांव में? 7 साल से। 7 साल से। वोट बना है आपका? हाँ। तो वोट अपने मन से देती हैं कि जो आपके पति देव कहते हैं उनके हिसाब से देती हैं? नहीं अपने मन से। अपने मन से देती हैं। क्या देखती हैं वोट देने से पहले, नेता कैसा चाहिए? अबे तो हम सर कुछ नहीं देखा, बिजली आई है। अच्छा, कौन से नेता को जानती हैं आप? सोनिया। सोनिया को जानती हैं? अच्छा, तो सोनिया गांधी जो है वो क्या है आपको पता है? आपके सांसद हैं, पता है आपको ये बात? सर हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम। अच्छा, अभी चुनाव हो रहे हैं इसकी जानकारी है आप लोगों को? हो रहे हैं। तो प्रत्याशी कौन है ये पता है आपको? किसको वोट देना है ये पता है? सोनिया को देवे वोट। सोनिया को देंगे वोट? क्या किया सोनिया गांधी ने आपको पता है? कुछ आप लोग के लिए किया हो, कुछ भला किया हो, कुछ काम कराया हो? अबे हमका भाई कुछ नहीं पता। अच्छा, क्या कह रही हैं आप? नहीं सर, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मोदी जी ने लाइट करवाया तो मोदी जी को वोट दीजिए, सोनिया के राज में हमारे यहाँ लाइट नहीं आई तो सोनिया को हम लोग लाइट की बार वोट नहीं देंगे। अच्छा जी सर, मोदी जी ने बिजली दी है इसलिए मोदी जी ठीक लग रहे हैं आपको? क्या कह रही हैं? क्या नाम है आपका? बिट्टन। लैटरिन दी है, लाइट दी है, तो इनको वोट हम लोग दे। अच्छा, पक्के घर नहीं मिले मगर? हाँ, जहाँ वह का चुआ वह का चुआ हम अपन का छाई हो जाता है। हमारे यहाँ प्रधान जी जो हैं आवास यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, हमारे लोगों के लिए कच्चे मकान है, यहाँ पे आवास तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के प्रधान जो है आवास ही नहीं दे रहे हैं। नल है सर, वो नल के यहाँ पानी के लिए भी समस्या है, एक नल है वो भी बिगड़ जाता है, दिक्कत है, पानी की समस्या भी है। पानी कैसे काम चलाते हैं सर? एक नल बिगड़ जाता है तो दूसरे के यहाँ हम लोग को जाना पड़ता है, दूसरे के पास, दूसरे के दरवाजे में लोग जाते हैं पानी लाने बुला के। पानी की समस्या भी है और पक्के मकान नहीं मिले आपको। स्कूल बच्चे जो पढ़ते हैं आपके, किस क्लास में? एक माह है बुकी गए हैं। कहाँ पढ़ते हैं जाके? स्वराज में, एक जने 7 माह। नहीं, स्कूल है गांव में आसपास? कितनी दूर है स्कूल? अरे पास है, 500 मीटर दूर है। पढ़ाई होती है वहाँ पे? जी सर। अच्छी पढ़ाई होती है? जी सर अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ ग्राम सभा में सबसे अच्छी स्कूल स्वराज शिक्षा मंदिर है,
और इसके बाद यहाँ पे सरकारी व्यवस्था भी है, वहाँ दोनों जगह पढ़ाई। प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल? सर यहाँ पे प्राइवेट एक स्कूल है और एक सरकारी भी है, दोनों में पढ़ाई अच्छी होती है सर। जी सर, काकी आप ये बताओ, इतने सारे नेता आपने देखे होंगे, हैं कौन सा नेता अच्छा लगता है? अरे मोदी अच्छे लागे जो उनकी तई के उंजेरे में कह दीन। और सर ना हमारा सबके घरन से तो इतना जीवा है कि अब का बताई, अभी लड़का जौन है भला ये कहाँ से माटी ढोम है, कहाँ से गिरे लागत थी तो सावन भादों के दिनन में गत हो जाता हुआ। यह हुआ कि हार से चलो देख के जीव पत हो जाता हुआ। अब काकी जाब जो तुम्हें सबके हिसाब में आवे तो उनका राज घर चाहिए आपको है, ये शिकायत है सरकार से? हाँ सरकार से। आपका क्या नाम है? शिवानी। क्या करती हैं आप अभी? अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। किस क्लास में? आपकी हाई स्कूल था। हाई स्कूल है? यस सर। अच्छा, तो आगे चल क्या बनना चाहती हैं? पुलिस। पुलिस? यस सर। क्यों पुलिस क्यों बनना चाहती हैं? हमारी यही चॉइस है पुलिस बनने की। अच्छा, यस सर। पढ़ाई पूरी कराएंगे घर वाले, ऐसा तो नहीं कि छुड़वा देंगे बीच में? नहीं सर, नहीं छुड़वाएंगे, नहीं छुड़वाएंगे। तो आपको अब वोट तो बनना नहीं होगा, जब आप वोटर बन जाएंगे, वोटर कार्ड आपका, वोट देने जाओगी, मतलब कैसा नेता पसंद है आपको, कैसा नेता चाहिए इस देश? जो हमारे देश के लिए अच्छा करे उसी को हम चुनेंगे। अच्छा, अभी कोई नेता पसंद है आपको? यस सर। मोदी जी। मोदी जी पसंद है? यस सर। मोदी जी क्यों पसंद है आपको, क्या पसंद? क्योंकि वो पढ़ाई के लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस गांव में लाइट की व्यवस्था भी किए हैं, हर चीज़ के लिए वो मोदी जी पसंद है हम लोग को। यस। सोनिया गांधी सांसद है आपकी? सर वो भी ये सही है। सही है वो भी? यस सर। अच्छा, सोनिया गांधी क्यों सही लगती हैं आपको? सर वो भी किए हैं काम, लेकिन यहाँ नहीं किए हैं। अच्छा, यहाँ उत्तर प्रदेश में एक और, हालांकि यहाँ तो प्रत्याशी नहीं है सपा बसपा गठबंधन का, अखिलेश यादव सरकार रही, मायावती जी की सरकार रही, इन लोगों ने कुछ किया रायबरेली के लिए, गांव के लिए, आप लोगों के लिए? हमारे गांव के लिए साहब तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, हमारे गांव के लिए नहीं, ऐसे पड़ा है हमारा गांव, बड़े बड़े नेता रहे लेकिन यहां कोई आया नहीं। राजनीतिक दबाव में पड़े रहे साहब, हम लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई अगर मान लियो कुछ करना चाहता था तो करने नहीं पाता था। क्या मतलब आप लोग क्या अपेक्षाएं रखते हो सरकार से, क्या करना चाहिए सरकारों को गांव के लोगों के लिए, गांव के लोग क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, चुनाव के बारे में? मोदी जी जो है सरकार, मोदी जी कह रहा है, और कार्यकर्ता जो है अपन जो शुद्ध रही है साहब, तो सभी काम हुई, और कार्यकर्ते ना शुद्ध रही तो कोनो काम ना हुई है। और यही से सोचे थे कि मोदी जी का सरकार अब तक साल हो रहा है, उसके बाद देखा जाए फिर जैसा हुई। तो वोट तो हम साहब मूर्ति के देंगे। हाँ, तो ये है सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का एक गांव, और इस गांव की बात आपने सुनी, आज़ादी के बाद से अब यहाँ पर बिजली मिली है, हालांकि अभी भी कई मांगे हैं, पक्के आवास नहीं मिले हैं, और शौचालय ज़रूर मिले हैं, मगर पानी की समस्या इस गांव में है। और जी शौचालय पूरे नहीं बने, पैसा पूरा आया है मगर 6000 आया, 6000 बाकी है, आएगा कि नहीं आएगा क्या अब पता नहीं साहब, आवे कि ना आवे, हम तो वहाँ है नहीं। क्या कह रही हैं, क्या नाम है आप? अरे हमारा नाम साहब, क्या कह रही बताइए? कहे ठीक है आवे है, जब ना आवे हो फिर हमार मोदी सरकार बना रहा है, हमार मोदी सरकार तो इतने पले आवा बिजली दिहिस, लाइटरिंग दिहिस, और जीत जाइए तो कॉलोनी को सहारा, कॉलोनी भी पा जाएंगे, और क्या चाहिए हम मोदी सरकार का वोट देव, जहाँ जितना जो कहूँ काम देव अपने मोदी सरकार, जो हमका इतना तक्का आज आखिर में साहब कोई चीज़ आवे तो बना नहीं पाता, अब कॉलोनी बन गया गड्ढा नहीं बने देते, कहा थी आबादी है बंजर है, वह हमारा कॉलोनी उधर जहाँ गाड़ी ठाड़ी बनी वह लेटरिंग बनी गड्ढा नहीं खोद देते, अब कहती हमें महा गड्ढा का परेशानी करें वैसा बनी परी, तो हम मोदी सरकार को और दिया बस इतना चाहिए। तो ये लल्लू के पुरवा की बात आपने सुनी, ऐसे ही जिस गांव में जाएंगे रायबरेली के और तमाम गांव में भी जाएंगे, वहां की हालत भी आपको दिखाएंगे कि इतने साल से गांधी परिवार का गढ़ ये बना हुआ है, कितना काम हुआ, और केंद्र की सरकार और गांधी परिवार के बारे में रायबरेली के लोग क्या सोच रहे हैं, ये आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ, मैं सौरभ हूं और कैमरे के पीछे मेरे साथ जरी हैं, शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।